सोचिए जब आप किसी एटीएम मशीन में जाएंगे पैसा निकालने के लिए, वहां से आपको नकली नोट निकले तो आप क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? आप चौंक रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं कैसी जानकारी दे रहा हूं। ये जानकारी बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। पूरी जानकारी आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कहां का मामला है, कैसे क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। मेरे हाथ में 200 रुपये का असली नोट है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर लिखा होता चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर लिखा होता फुल ऑफ फंड, ये नोट नकली होता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक, ये नोट पूरी तरीके से असली है और 200 रुपये का नोट है। एक मामला सामने आया अमेठी से। अमेठी के लोग जब पहुँचे एक एटीएम में पैसा निकालने के लिए, तो लोगों को नकली नोटें मिलने लगी। लोग परेशान हो गए, लोगों ने पुलिस को सूचना दी और लोगों ने कहा कि एटीएम से नकली नोट निकल रहा है। लेकिन ऐसे एटीएम से नकली नोट निकला है जिसका वास्तव में कोई बैंक है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं इंडिया वन के एटीएम की। इंडिया वन का बैंक हमारे आसपास नहीं है। हो सकता है देश के किसी हिस्से में एक दो शाखाएं खुली हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिल्ली में शाखाएं तो नहीं हैं। हो सकता है एक दो शाखाएं हो, मुझे जानकारी ना हो, लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि इंडिया वन की कोई शाखाएं नहीं। लेकिन इसने अपने एटीएम मशीन को जगह जगह पर लगा दिया है और उसी के जरिए इंडिया वन कमाई कर रहा है। दरअसल क्या हुआ कि अमेठी कस्बे के मुंशीगंज रोड पर सब्जी मंडी के पास इंडिया वन का एटीएम है, जहां दीपावली की शाम कई लोग एटीएम में पैसा निकालने गए तो 200-200 के नकली नोट निकलने लगे। एक के बाद कई ग्राहकों के एटीएम से नकली नोट मिले, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एटीएम मशीन से नकली नोट पाने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल कर बैंक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर दी। वैसे भी डिजिटल युग है, कोई भी व्यक्ति कैश लेकर के नहीं चल रहा है, चल रहा है तो बहुत कम लेकर के चल रहा है, क्योंकि लोगों की उम्मीद है कि जहाँ पर वे लोग जाएंगे वहाँ पर उन्हें आसानी के साथ एटीएम मशीन मिल जाएगा, वे लोग वहाँ पर निकाल लेंगे। और अगर उन्हें कोई दिक्कत भी आती है, वे लोग पेटीएम, फोनपे, गूगल पे या POS मशीन से वे लोग सामने वाले को यानी दुकानदार को आसानी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। वे लोग कहते हैं आप लोग कैश लाइए। लेकिन जब अमेठी के लोग एटीएम मशीन में जा रहे हैं नोट निकालने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि एटीएम से नकली नोट निकल रहा है। और ऐसी कोई एक खबर हवा हवाई नहीं है, बल्कि ये खबर पूरी तरीके से सही है। लेकिन सवाल उठता है, अमेठी की सांसद कौन है? अमेठी की सांसद हैं ईरानी जी, स्मृति ईरानी, केंद्र में मंत्री भी हैं। और ईरानी जी के गृह जनपद में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सोचिए, इंडिया वन वाले को कोई डर ही नहीं है, मशीन वाले कोई डर ही नहीं है, वे लोग खुलेआम मशीन के अंदर नकली नोट डाल रहे हैं, जाली नोट डाल रहे हैं। और परेशान कौन हो रहा है? आम जनता। ब्रांच नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही है नोट बदलने कहाँ जाए। फिलहाल पूरा मामला जो है पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस कह रही कि हम लोग मामले की जाँच कर रहे हैं। सोचिए, RBI की गाइडलाइन है, अगर आपके ATM में CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है तो आप एक सिक्योरिटी गार्ड को रखिए, और अगर आप लोग सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रख सकते हैं, आप लोग CCTV कैमरा को लगाइए। लेकिन जो बड़े ब्रांच है, बड़े ATMs हैं, आप SBI की बात कर लीजिए, HDFC की बात कर लीजिए, एक्सिस की बात कर लीजिए, PNB की बात कर लीजिए, ये लोग दोनों सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं, ये लोग CCTV भी लगवाते हैं, ये लोग सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त करते हैं। लेकिन इंडिया वन एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा ATM मशीन है जहां पर ना तो CCTV है, ना ही वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड है। आम जनता परेशान है, वे जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। लेकिन ईरानी जी, आपके संसदीय क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ये काफ़ी डरावनी है, काफ़ी परेशान करने वाली है। इसलिए क्योंकि सवाल ये भी अब उठ रहा है लगातार कि जहां से आप सांसद हैं, आपके ही
गृह जिले में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और वहाँ की जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए कितनी दिक्कत हुई होगी, मेहनत की कमाई से पैसे आते हैं। जिन लोगों पैसा निकला था कोई 1,000, 2,000, 5,000 निकालने वाले लोग थे और वे लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर के पैसा आता है। और असली पैसा मिलने की बजाय उन लोगों को नकली नोट मिल रहा है। वे लोग चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के कहाँ जाएंगे, किस दुकान पर जाएंगे, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, ना मैं लूँगा ना आप लेंगे, पूरी तरीके से नोट नकली है। तो सोच लीजिए, इतना ज़्यादा सब कुछ विकास हो गया हमारे देश का, मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि अब ATM से नकली नोट निकल रहे हैं। खैर पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी तमाम मामले ऐसे सामने आते रहे हैं। वीडियो पर क्या राय आप लोगों की, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।